फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लिख रहे हैं ब्लाउज का बैक डिजाइन। तो लाइनिंग की कटिंग हमने कर ली और इसी तरीके से इस कपड़े पे कट करेंगे। ये हमारे साड़ी के ब्लाउज का कपड़ा है, बैक पीस है ये हमारा। इसी तरीके से बैक पीस की कटिंग कर लेंगे। ये बिल्कुल बराबर रख के इसके ऊपर ये देखिए इस तरीके से इसकी बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। ये इसके बिल्कुल बराबर की बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए हमने पेपर पेस्टिंग ली है, इसको इस तरीके से डबल लेयर कर लिया है बिल्कुल बराबर। और ये इससे हमने थोड़ी सी कम ली है। अब देखिए इसे यहाँ से पेपर पेस्टिंग जो ली है इस पर हमें ये बंद की साइड है इसकी, इस पर कट करना है यहाँ से। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और जो यहाँ पर बंद की तरफ नीचे की तरफ करेंगे तो 3 इंच पर करेंगे और इसको बॉट शेप में मिला देंगे। यहाँ से देखिए हमें ये यहाँ से 2 इंच की दूरी रखनी है, यहाँ तक मिलाना है। अब यहाँ से देखिए हमें 2 इंच नीचे की तरफ छोड़ के और यहाँ से ये 7 इंच पर एक मार्क करेंगे, इस तरीके से इसे मिलाएंगे। इस तरीके यहाँ से देखिए हमें ये 1/2 इंच और ऊपर की तरफ मार्क लेना है। यहाँ पर हमें 3.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस मार्क को हमें इस निशान से मिलाना है, इस तरीके से। और यहाँ से हमें ये 2.5 इंच की दूरी पर एक मार्क करना है, इस तरीके से मिलाना है। देखिए इसे कट करेंगे हम। इस तरीके से कट कर लिया है और इसे यहाँ से भी हमें इसी तरीके से कट करना है। इसे कट करना। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके ऊपर आएगा इस तरीके से, बिल्कुल बीच सेंटर रख के इसको प्रेस से चिपका लेंगे। अब देखिए इसको हमने प्रेस से बिल्कुल चिपका लिया है और इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर इसको रख के इसे पूरे को स्टिच करना है अच्छे से। देखिए इसे पिन अप कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हो। इसको भी हमने दूसरे कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। देखिए इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर नेक बनाते हुए सिलाई को लगाना है।
देखिए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है, अब इसके नीचे बॉटम पे भी लगा लेंगे। पिन को निकाल देंगे और इसे सीधा करेंगे। अब देखिए इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे इसके अंदर से, हाफ इंच के बराबर रहने देंगे ताकि सिलाई ना निकले। और इसमें कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो सके। अब इसमें कट लगा लिए हैं और इसे सीधा कर देंगे। और अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पर सीधा करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से ये पूरे नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बॉटम पे भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली, अब इसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है पूरे में। इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और इसे सीधा कर लेंगे। हमने सीधा कर लिया है, इसके बाद इसके ऊपर यहाँ पर देखिए लेस लगा लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही लेस लगा लेंगे। अब देखिए इसे यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल बीचा बीच में, और यहाँ से पिन लगा लेंगे, यहाँ से पिन अप कर लेंगे अच्छे से ताकि ये इधर उधर ना खिसके लेस धरते समय। देखिए जितना हमने इधर गैप छोड़ा है उतना ही इधर छोड़ा है, और ये पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर लेस लगानी है पूरे में, तो ये यहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। और यहाँ से इस तरीके से इस पे पूरे पे हमें लेस लगानी है। यहाँ से थोड़ा पतला करके लेंगे इस तरीके से। यहाँ से भी पतला कर लेंगे ताकि निकले ना।
इसी तरीके से ये पूरे नेक के ऊपर हमें प्रेस लगाने हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए ये हमने स्ट्रिप बनाई है और इस तरीके से हमें स्ट्रिप लगाने हैं तो इतने बड़े बड़े कट कर लेंगे। देखिए एक पीस हमें यहाँ पर लगाना है इस तरीके से। देखिए दो दो स्ट्रिप हमें यहाँ पर लगाने हैं इस तरीके से, दो इधर दो इधर। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रिप जॉइंट कर ली है और इतनी इसका साइज देख लेंगे इस तरीके से करके और इतनी बड़ी ये डोरी कट कर लेंगे। ये डोरी इसमें कर निकालेंगे, यहाँ पर ये जॉइंट करेंगे। देखिए ये यहाँ पर जॉइंट कर लिया है और ये इसमें से निकालना है। ये देखिए फ्रेंड ये पनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से बनाया हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।